एकादशी माता की बहनी हाथ जोड़ के सारे बन लगे मेरी राम राम नवा एकादशी माता की बहनी स्वामी और एक
तथा उसका
भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथली एकादशी है, सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वरुथली एकादशी के प्रभाव से ही राजा माधाते को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमान आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथली एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ग दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथली एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस वक्त से प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं व अंत में स्वर्ग के भागी होते हैं। राजा, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्र में कहा गया है, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनसे भी श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण का दान और स्वर्ण का दान से श्रेष्ठ है अन्न दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता और मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्या दान को शास्त्रों में अन्न दान के समान माना गया है। वरुथली एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्या दान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल प्राप्त हो जाता है। शिलाजीत के बारे में कौन नहीं जानता, शक्ति का भंडार है शिलाजीत। शिलाजीत खाने वाले श्रेष्ठ दानों का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य तथा काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में विराट योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्या दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त में लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथली एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें कन्या दान का फल प्राप्त होता है। वरुथली एकादशी का व्रत करने वाले को दसवीं के दिन से ही कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, साग, मधु, दूसरे कान और दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए। अभी तो सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना तथा झूठ बोलना भी वर्जित है। राजा, इस वरुथली एकादशी की कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वक अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया। मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा में करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथली एकादशी का व्रत रखकर मेरी वरह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पूरे सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधाता ने मथुरा जाकर सदा प्रभु वरुथली एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधाता स्वस्थ हो गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथली एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निर्दिष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के माध्यम को पढ़ने या सुनने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। तो इसी के साथ वरुथली एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का ध्यान करें, आरती होने वाली है। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करिए, विष्णु पूजा व्रत को धारण करिए। हरि बोल माता, ओम जय एकादशी माता।
लक्ष्मी माता मार के शीश के सुपर पक्षी उत्पन्ना जय अर्जुन सिंह माता। तो प्रेम से बोली विष्णु भगवान।
मानन की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। जितनी चोट था जितनी चोरी रहे। अरे तुम क्यों हमेशा मेरे भाई को गाली देते रहते हो? अरे वो एकादशी माता की जय हो, जय एकादशी माता की। जितने भी मेरे बाल भाई वो एकादशी माता का व्रत करे हैं और भाई सब ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम भाई, एकादशी माता सब ने भाई शुभकामना दे, लाभ दे। और भाई जितने भी मेरी वीडियो ना देखने वाले हैं भाई सब भाई सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब भाई सारे करियो, और भाई घंटी का बटन दबाना ना भूलियो, और भाई कॉमेंट भी जरूर लिखियो भाई। जय माता की, जय एकादशी माता की, जय एकादशी माता की, जय।